स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर एक और नई प्रेस अपडेट के साथ। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 सीबीटी परीक्षा का फाइनल तो रिजल्ट जारी। इन जिलों का रिजल्ट जारी हुआ, पूरी अपडेट बताएंगे और सीटें खाली जा रही है, क्या है अपडेट और राजस्थान पुलिस फाइनल तो रिजल्ट, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर बताई जाएगी। अभी बात करते हैं किन जिलों का रिजल्ट आ चुका है। तो दोस्तों, डूंगरपुर जिले का फाइनल परिणाम जारी हो चुका है और इसके अंदर पोस्ट है वो खाली, वो कैसे रह रही है, काफ़ी अभ्यर्थी असमंजस की स्थिति में कि डूंगरपुर ज़िले में जब सीबीटी का 40% का रिज़ल्ट आया था उसके अंदर ज़्यादा पास होते, लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आया तो वो कम ही पास कैसे हुए, जैसे 37 अभ्यर्थी कैसे पास हुए, यानी कि वो टोटल पोस्ट है तो 55 से 56 पोस्ट थी, तो इसके अंदर सीटें खाली कैसे जा रही है। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि जो डूंगरपुर में एक्स वो सर्विसमैन की पोस्ट थी, यानी कि वो 20 से 21 पोस्ट है वो खाली उतर गई, यानी कि एक्स सर्विसमैन जो कि पास ही वो नहीं हुए, यानी कि जो फाइनल तो परिणाम में पास ही नहीं हुए, इसलिए उनकी पोस्ट वो खाली रह रही है। अब बात करते हैं बाकी वो जिलों का तो रिजल्ट वो कब आएगा। दोस्तों, बाकी जिलों का तो रिजल्ट अब कभी भी आ सकता है, यानी कि अब आपको हो सकता है आज देर रात, हो सकता है कल, यानी कि 1 से 2 दिन के अंदर आपको सभी वो जिलों यूनिट का परिणाम देखने को मिल सकता है। अगर अपडेट ऐसी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप भी कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएं कि आपने किस जिले से आवेदन किया है और आपके कितने तो नंबर बन रहे हैं। तो दोस्तों, वो कट ऑफ भी वो ज़्यादा वो नहीं जा रही है, यानी कि लगभग जिनके 80 के आसपास तो नंबर थे उनका डूंगरपुर में फाइनल सेलेक्शन हुआ है, और डूंगरपुर की वो कट ऑफ भी तो लगभग 70 से आसपास तो रही है, यानी कि बहुत 70 से 75 के आसपास रही है। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।